और बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश के 17 जिलों में तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। दरअसल रीवा जबलपुर समेत 17 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 48 घंटे में तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और यहां मानसून के सिस्टम्स एक्टिव हो रहे हैं, ऐसी जानकारी मिली है। और 17 जिलों में तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया पूर्वानुमान जिसमें आने वाले 48 घंटे तेज बारिश के होने की संभावना जताई जा रही है और ऐसे में जो प्रदेश की नदियां हैं, नाले हैं, बरसाती नाले हैं, उनमें बहुतायत में पानी आ सकता है। पुल और रपटों के ऊपर से बहने वाले पानी को जान जोखिम में डालकर पार करने का प्रयास न करें। और अगले 48 घंटे काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान है अगले 48 घंटे को लेकर कि भारी बारिश होगी, कौन कौन से जिले रह सकते हैं और क्या कुछ संभावनाएं बनती नजर आ रही हैं? भोपाल कितना प्रभावित होगा? बिल्कुल आशीष, देखिए अगर इस पूरे कोटे पूरे सीज़न की बात करें तो अभी भी जो एवरेज रेनफॉल होता है मध्य प्रदेश, उससे 27 मिलीमीटर करीब बारिश जो है वो अब और होने की जो ज़रूरत है वो बताई जा रही है। तो जो अलग अलग वेदर सिस्टम एक्टिव हो रहे हैं, इनसे उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में ओवरऑल एवरेज रेनफॉल का जो कोटा है वो इस सीज़न का पूरा होगा और उससे थोड़ी ज़्यादा भी बारिश हो जाए तो भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि पिछले महीने एक दौर आया जब ज़बरदस्त बारिश पूरे प्रदेश में देखने को मिली, तमाम डैम जो हैं वो फुल हुए, नदी नाले उफान पर आए, कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति भी बनी और उसके बाद से लगातार अब रुक रुक के अलग अलग सिस्टम्स बन रहे हैं। अगर सितंबर के पूरे महीने में जिस तरीके की वेदर कंडीशंस का पूर्व अनुमान जताया गया है उसके अनुसार अभी कुछ और 15-20 दिनों तक इस तरीके से जो बारिश का दौर है वो जारी रहने वाला है और हाल फिलहाल 2 दिनों तक अच्छे सिस्टम जो है मानसूनी वो एक्टिव रहेंगे, कम दबाव का क्षेत्र बनेगा जिससे मध्य प्रदेश के करीब 20 जिलों में अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है और ज़्यादातर जो रेनफॉल होगा वो महाकौशल और विंध्य के इलाकों में हो सकता है, यानी कि जबलपुर, रीवा, सतना वाला जो पूरा बेल्ट है वहाँ पर अच्छी खासी बारिश अगले 48 घंटे में जो है वो देखने को मिल सकती है। भोपाल और भोपाल के आसपास के इलाकों की बात करें तो कल भी दिन में यहाँ पर बारिश हुई, आज भी काले घने बादल जो हैं वो छाए हुए हैं और दिन में कुछ हद तक बारिश होने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। मालवा, निमाड़ अंचल और ग्वालियर चंबल का जो इलाका है वहाँ पर भी इस पूरे सीज़न में ठीक ठाक बारिश जो है वो देखने को मिली है, कई जगह एक्सेस रेनफॉल भी हुआ है, तो कई जिले ऐसे हैं जो थोड़े से बारिश का जो एक एवरेज कोटा होता है उसको पूरा करने में पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी आने वाले समय में गरज चमक के साथ अच्छी बारिश जो है वो हो सकती है और मौसम वैज्ञानिकों को यही कहना है कि जो एवरेज कोटा है बारिश का वो MP में पूरा हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात इस पूरे मानसूनी सीजन की ये रही है कि यहाँ पे बारिश ब्रेक नहीं हुई है जिसके चलते ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो भी कहीं ना कहीं रिचार्ज होता हुआ नजर आ रहा है जिससे लंबे समय तक पानी की जो आपूर्ति है वो हो सकेगी आशीष। और ये 2 दिन और इसके बाद भी लगातार रुक रुक के अच्छे वेदर सिस्टम्स जो हैं वो मध्य प्रदेश में एक्टिव रहने वाले हैं। जी बहुत शुक्रिया वासु आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।